JNM और GNM ये दोनों ऐसे कोर्सेज है जिसके बारे में ज्यादातर लोग हमेशा बात करते रहते हैं। लेट्स सी कि इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है, क्या सैलरी होता है आफ्टर कंप्लीटिंग दिस पर्टिकुलर कोर्स, और बेस्ट कॉलेज कहाँ है, कौन कौन से हैं जहाँ से आप परस्यू कर सकते हैं, और कितना इसका फी होता है। ईच एंड एवरी पॉइंट को कवर करके हम आगे बढ़ेंगे। तो जहाँ हम अगर ANM की बात करें तो ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी, वहीं अगर GNM की बात करें तो जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। ये तो थोड़ा सा नॉलेज पर्पज से होगी। अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो सबसे छोटे टाइम के लिए, सबसे कम टाइम ड्यूरेशन के लिए होता है ANM, एंड GNM की बात करें तो ये ANM से तो बड़ा होता है लेकिन ये BSc नर्सिंग से कम ड्यूरेशन का होता है। अगर हम मेन फोकस की बात करें तो ANM में जो मेन फोकस होता है वो प्राइमरीली कम्युनिटी हेल्थ एंड मैटरनल एंड चाइल्ड केयर पर फोकस किया जाता है। करियर पाथ की बात करें तो ऑप्टेन एज स्टीपिंग स्टोन टू GNM और BSc नर्सिंग, ये या तो GNM की तरफ मूव ऑन करते हैं या फिर BSc नर्सिंग की तरफ। वहीं अगर हम GNM की बात करें तो इनका जो मेन फोकस होता है हॉस्पिटल बेस्ड नर्सिंग केयर का होता है। एंड अगर करियर पाथ की बात करें तो कैन लीड टू BSc नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक नर्सिंग। तो हमने वो तो कंपेयर करने के पर्पज से जस्ट बता दिया कि आपको ANM जो है सबसे कम ड्यूरेशन का होता है। लेट्स सी कि ड्यूरेशन कितना होता है। तो ANM की बात करें तो 2 साल का होता है, GNM 3 साल के लिए होता है। अगर हम जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करें तो ANM के लिए हेल्थ केयर प्रोवाइड्स इन क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स में जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकता है। वहीं अगर हम GNM की बात करें तो रजिस्टर्ड नर्स हो सकते हैं इन हॉस्पिटल में, हेल्थ केयर फैसिलिटीज एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ANM के लिए 10+2 या इक्विवेलेंट चाहिए होगा, और GNM के लिए 10+2 और इक्विवेलेंट विद साइंस होना चाहिए। अगर हम कोर्स फी की बात करें तो INR ANM की बात करें तो जहां 75,000 होता है वहां पर GNM की बात करें तो 2,30,000 तक जा सकता है। हालांकि ये चीज़ें थोड़ा वेरी कर सकता है। अगर हम एवरेज सैलरी की बात करें तो INR 1.5 लाख पर ANM होता है ANM के लिए। वहीं अगर हम GNM की बात करें तो INR 2 से 3 लाख पर ANM भी हो सकते हैं। अगर हम जॉब प्रोफाइल की बात करें तो ANM के लिए इंचार्ज एंड हेल्पर, ट्रैवलिंग नर्स, मैटरनल केयर रूम इंचार्ज, जूनियर लेक्चरर भी इनके लिए जॉब प्रोफाइल हो सकता है। वहीं अगर हम GNM की बात करें तो यहाँ पे जो जॉब प्रोफाइल होने वाला है फोरेंसिक नर्स, नर्सिंग टीचर, ट्रैवलिंग नर्स, क्लिनिकल नर्स या कंसल्टेंट के रूप में इनका जॉब प्रोफाइल हो सकता है। तो ऐसे में जब आपके पास दोनों ही ऑप्शन है कि ANM करें या फिर GNM, तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मेरा फिर हो जाता है कि आपको इसके बारे में, दोनों के बारे में एक बताना कि दोनों में कौन बेस्टर होगा। तो अगर हम ANM की बात करें तो ये उनके लिए सुटेबल होता है इफ़ यू प्रेफर अ शॉर्टर ड्यूरेशन कोर्स एंड प्राइमरीली इंटरेस्टेड इन द कम्युनिटी हेल्थ, तो आपके लिए ANM बेस्ट होगा। अगर हम GNM की बात करें तो ऐसे स्टूडेंट जो कि गुड ऑप्शन चाहते हैं फॉर देयर सीकिंग अ बैलेंस बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, उनके लिए GNM बेस्ट होगा। एंड एट द एंड ये चीज़ें आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से कोर्स को परस्यू करना चाहते हो, क्योंकि ये सारा कुछ जो खेल है वो आपका इंटरेस्ट का है। आप जिस कोर्स में जाना चाहो यू आर फ्री टू गो, एंड आप उसमें भी बचा सकते हो। कि हमने ANM और GNM के बारे में काफ़ी चीज़ जान ली है, इट्स टाइम कि हम BSc नर्सिंग के बारे में जाने। तो BSc नर्सिंग होता है बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। अगर हम इसके ड्यूरेशन की बात करें तो ये तीनों ही केसों में, यानी चाहे ANM GNM हो, इन दोनों ही से ज़्यादा ड्यूरेशन का होता है। एंड अगर इसकी फोकस की बात करें, मेन फोकस यहाँ पे जो होता है वो कम्प्रहेंसिव नर्सिंग एजुकेशन होता है जिसमें थ्योरी एंड प्रैक्टिकल इंक्लूड होते हैं। वहीं अगर हम करियर पाथ की बात करें तो ऑफर द वाइडेस्ट रेंज इन वाइडेस्ट रेंज ऑफ द अपॉर्चुनिटी इंक्लूडिंग हायर स्टडी भी आप कर सकते हो, रिसर्च में जा सकते हो एंड लीडरशिप रोल भी आप प्ले कर सकते हो। तो ऐसे में अगर हम जॉब प्रोस्पेक्टस की बात करें कि क्या डिफरेंसेस है, तो BSc नर्सिंग करने के बाद जो ग्रेजुएट BSc नर्सिंग ग्रेजुएट जो होता है जनरली हैव अ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी एंड हायर अर्निंग पोटेंशियल, और की तुलना में ज़्यादा ये अर्न करते हैं एंड हायर स्टडी भी कर सकते हैं, क्योंकि BSc नर्सिंग इज अ प्री रिक्विजिट फॉर द मोस्ट पोस्ट ग्रेजुएट नर्सिंग प्रोग्राम। एंड अगर हम करियर ग्रोथ की बात करें तो BSc नर्सिंग ऑफर्स मोर अपॉर्चुनिटी फॉर एडवांसमेंट एंड स्पेशलाइजेशन के लिए भी आप इसमें आगे बढ़ सकते हो। तो इंट्री अगर हम रिक्वायरमेंट की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वेरी कर सकता है, सो आप स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट जो है इच कोर्स का चेक कर सकते हो। ज़्यादातर लोग जो इन तीनों में अगर हम बात करें ANM GNM और BSc नर्सिंग में, तो ज़्यादातर लोग BSc नर्सिंग को प्रेफर करते हैं। हालांकि ये आप पे टोटली डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ है। अगर हम BSc नर्सिंग परस्यू करने वाले स्टूडेंट की बात करें तो ऐसे में इफ़ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड और एस्पायर टू लीडरशिप रोल इन नर्सिंग, तो BSc नर्सिंग बेस्ट चॉइस हो सकता है, और अदरवाइज आप उन दोनों कोर्सेज के थ्रू भी जा सकते हो।